संविधान दिवस पर जानिए संविधान पुस्तक की अनोखी जानकारी। आज भी महफूज है पहला लेदर पन्ना, शहर के चित्रकार ने बनाई थी डिजाइन। भारत देश के संविधान के लिए अशोक स्तंभ वाला सोने के वर्क से बनाया हुआ पहला लेदर पन्ना आज भी इंदौर के चितावद स्थित आनंद नगर में सुरक्षित है। संविधान के इस पेज पर बने अशोक स्तंभ की डिजाइन शहर के चित्रकार स्वर्गवासी दीनानाथ भार्गव ने बनाई थी, जिस पर काली स्याही का ब्रश गिर जाने के कारण उन्होंने ठीक वैसा ही दूसरा चित्र तैयार किया जो भारतीय संविधान की पुस्तक में लगा है। पहली बार सोने के वर्क से बनाया गया संविधान का पहला पेज आज भी उनकी पत्नी प्रभा भार्गव और बेटे सौमित्र भार्गव ने उनकी स्मृतियों के साथ सहेज कर रखा है। 85 वर्षीय प्रभा भार्गव बताती है कि पति का निधन 24 दिसंबर 2016 को हुआ। वर्ष 1948 में निर्मित भारत के संविधान की मूल प्रति ललित कला अकादमी दिल्ली में रखी है। जब इसे तैयार किया जा रहा था उस टीम में दीनानाथ भार्गव भी शामिल थे। उस समय वे शांति निकेतन में फाइन आर्ट के द्वितीय वर्ष के छात्र थे। उन्हें 1949 में सरकार ने 12,000 रुपए परिश्रमिक दिया था। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की डिजाइनिंग के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में 230 पृष्ठ भेजे थे। तब कला भवन के प्राचार्य नंदलाल बोस ने संविधान के सभी पात्रों पर आउटलाइन व मुख्य पृष्ठ तैयार करने के लिए 12 होनहार छात्रों को चुना था। इनमें भार्गव भी एक थे। उनकी डिजाइन अन्य छात्रों से बेहतर थी। इस कारण बोस ने अशोक स्तंभ व 20 पृष्ठों के आउटलाइन डिजाइन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। कवर पेज पर अशोक स्तंभ बनाने के लिए दीनानाथ ने खासी मेहनत की थी। इसके लिए कोलकाता के चिड़ियाघर में एक महीने तक रहकर शेरों के हाव भाव और डील डॉल के साथ भाव भंगिमाओं का अध्ययन किया। उन्होंने अपने इस कार्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अथक प्रयास किया था। कि सोने के वर्क से अशोक स्तंभ की जो कृति है आपके यहाँ आज भी रखी हुई है संविधान दिवस से आज, और क्या कहेंगे आप अपने हस्बैंड के बारे में, कैसा लगता है आपको? मेरे पति जो थे वो मुल्ताई के हैं, मेन मुल्ताई के 90 गांव की जमींदारी थी उनकी। तो उनको ये था कि मैं कुछ करूँ बाहर निकाल के, जैसे तो सभी जीते लेकिन मेरा कुछ नाम हो। तो जब वो निकले थे घर से तो उनका ये इरादा था कि वो मेडिकल लाइन में जाएं, लेकिन वहाँ पे इलाहाबाद इरविन कॉलेज जो है उसमें अमिताभ बच्चन जी है ना, उनके पिता भी उन्होंने पढ़ाया है उन्हें, हरिवंश राय जी, हरिवंश राय जी ने। और वो जो वो वैसे हिंदी में उनका कार्य ज़्यादा है लेकिन वो प्रोफेसर इंग्लिश के थे, शायद किसी को मालूम नहीं होगा। तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ वो जब वो मेडिकल लाइन में जाने वाले थे तो उनको कुछ सर्कल ऐसा मिल गया, फ्रेंड सर्कल। तो ये इच्छा हुई कि मैं शांति निकेतन जाऊँ। जब वो शांति निकेतन गए, हालांकि घर वाले बहुत नाराज थे और उस समय आर्टिस्टों की कोई इतनी वो नहीं थी वक़्त जो आज है। तो जो शांति निकेतन गए तो उस समय उनके फादर नहीं थे, फादर की डेथ हो चुकी थी, मदर थी, और इनके जो बड़े भाई थे वो वकील थे और ये दोनों माइनर थे जब इनके फादर की डेथ हुई। तो इन दोनों का जो भी था हिस्सा वगैरह जो भी वो मदर इल्ला के पास था। और जब ये मदर इल्ला से इन्होंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ तो वो भी थोड़ी नाराज थी कि मेडिकल लाइन छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जब ये शांति निकेतन गए तो वहाँ नंदलाल बोस जो थे वो वहाँ के मुख्य व्यक्ति थे। जो नंदलाल बोस ने इनको एडमिशन के लिए पहले आना करनी थी, फिर इनका एडमिशन हो गया। उस समय जब ये वहाँ गए थे उस समय इनकी बॉस थी विपुल जयकर। उन्होंने कहा कि वी डी भार्गव, विष्णुदत्त भार्गव, आपकी क्या है? हालांकि वो उनके सगे जीजा थे, फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी नौकरी में किसी को ले बीच में नहीं इन्फ्लुएंस डालना चाहता हूँ। तो उनका वो मेरे कुछ
जब उन्हें बाद में पता चला तो उन्होंने ये भी कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ जाति के हैं, भार्गव हैं, बाकी कुछ नहीं है। वैसे बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने 5 साल तक शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की और उसी दौरान इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बारे में आया तो जवाहरलाल नेहरू शांति निकेतन को ये दिया कि ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज है और जो अंदर के पेजेस हैं वो आपके शांति निकेतन से ही डेकोरेट होके आएंगे और वहीं से ही बन के आएगा। जब ये शांति निकेतन पढ़ते थे तो ये 2 साल तक कलकत्ता म्यूजियम गए और वहाँ इन्होंने शेर की स्टडी की। शेर की स्टडी करने के बाद जब इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बनाना शुरू किया, उस समय जब ये बना रहे थे तो जो पहला इन्होंने पेज ऊपर का जो बनाया है मेन, जिसमें नर मादा और शिशु है, और ये वैसे सारनाथ का है, इसमें पीछे भी है, लेकिन जो दर्शाया गया है वो 3 शेरों का दर्शाया गया है। में जब संविधान लागू हुआ था और संविधान की जो पुस्तक तैयार हुई थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि उस पुस्तक का एक पेज इंदौर में रहेगा। जी हाँ, इंदौर का एक अपना इतिहास है, लेकिन इस इतिहास में एक पन्ना संविधान की पुस्तक का आज भी इंदौर में है। इंदौर के रहने वाले डीएन भार्गव जी ने उस समय 1950 के लगभग संविधान पुस्तक का फ्रंट पेज प्लस 40 पन्ने डिजाइन किए थे। उस समय अपने हाथ से पुस्तक डिजाइन करते हुए फ्रंट पेज पे ब्रश गिरने से काला धब्बा लग गया, जिसकी वजह से वह पन्ना निरस्त कर दिया गया था। उस पन्ने को आज भी सजोकर डीएन भार्गव जी के घर वालों ने रखा है। सर, क्या कहेंगे आप, उनके लड़के हैं, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे आज आपके पास पन्ना वो रखा हुआ है? बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए क्या शहर और देश के लिए गर्व की बात है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी सरकारी आलेखों में उसका जिक्र होता है और हर अफसर के चेहरे पे, शीश पे और कंधों के ऊपर वो एम्ब्लम आता है और हिंदुस्तान की करेंसी के ऊपर भी वही चीज़ आती है, तो हमें तो फ़ख्र है उस चीज़ का। सर, क्या कहेंगे, अभी आपकी माताजी ने कहा है कि जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए सरकार की ओर से, मान सम्मान तो मिला है लेकिन उनका नाम होने में बहुत काफ़ी मशक्क़त होती है। हाँ। क्या कहेंगे, क्या मांगे आपकी सर? नहीं, हमारी तो प्रशासन से और आप लोगों से यही मांग है कि अभी तक तो ठीक है, आप लोगों के माध्यम से उनका हर साल में एक दो बार नाम अपने शहर में न्यूज़पेपरों में आ जाता है। हम चाहते हैं कि उनका कोई ऐसा काम किया जाए सरकार द्वारा, कोई सड़क, कोई कला विधि का या कोई कला केंद्र का या कोई चौराहे पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो नई क्रॉप आएगी, जो नई हमारी पीढ़ी आएगी, उन सबको भी इस चीज़ का गर्व रहे कि ये चीज़ हमारे इंदौर शहर के वासी ने बनाई। आपका परिचय? मेरा सौमित्र भार्गव, मैं उनका बेटा। उन्होंने, उनके मन में क्या चल रहा था, उन्होंने कुछ बताया आपको? नहीं, इतना तो मैं बिल्कुल कहूँगी, उनके जैसा नेक आदमी आपको नहीं मिलेगा। जब उनका हैंडलूम बोर्ड में, वीवर सर्विस सेंटर में इंटरव्यू हो रहा था, उस समय मिसेज जैकर ने उनसे पूछा था कि यहाँ पे जो विष्णु दत्त भार्गव हैं, वी डी भार्गव हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, वो आपके क्या लगते हैं, क्योंकि वो भी भार्गव थे, ये भी भार्गव थे। उन्होंने सिर्फ इतना उत्तर दिया कि वो मेरे कुछ ही लगते हैं, हालांकि उनकी सगी बहन के पति थे वो, उनके जीजा थे। लेकिन जब बाद में पिपुल जाकर जो उनकी बॉस थी, उन्होंने पूछा आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का इन्फ्लुएंस नहीं यूज करना चाहता था, मेरे में जो कुवत है उसके ऊपर मैं आना चाहता था। और इतने बड़े जमींदार होते हुए बहुत सहज आदमी थे, सिवाय 2 टाइम के खाने के कुछ नहीं लेते थे, 100 सुपारी तक नहीं लेते थे, और हमेशा लोगों को उन्होंने हेल्प ही किया। अब एक इंस्टेंस आपको छोटा सा बताऊं कि यहाँ वीवर सर्विस सेंटर था इंडस्ट्रियल स्टेट में उनका ऑफिस, वो वहाँ से आते थे और वो इतने सिंपल थे कि पूरी तनख्वाह दे देते थे मेरे को और 500 रुपये जेब में रखते थे। 4-5 दिन बाद मुझसे कहते कि भाई मेरे को रुपये दो, मैं ही पूछती थी साहब आपको काय को चाहिए, वो कहते थे कि मैं सब्जी लेता हूँ, आता हूँ किशनपुरी पुलिस से। और वो एक ही व्यक्ति था, बहुत बुढ़ा, अगर पास में 1 रुपये
एक रुपये पाव सब्जी मिलती थी, वो दो रुपये देता था, लेकिन उससे इसलिए लेते थे अपनी गाड़ी ऑफिस की वहीं रोकते थे, इसी से रो चुकी है बुद्ध। मैं एक दिन गई, मैंने कहा कि भाई क्या बात है बाबा, तुम महंगी दे तो मैं सो गया, भाई साहब आप आते हो किस चीज करते हो, साहब आते हैं सब्जी लेते हैं चले जाते हैं। तीन चार दिन बाद मैं फिर गई, उसी दुकान से लेते थे, मैंने कहा बाबा ये एक रुपये पाओ दो, बोले हाँ सब ले लो, पास में दो रुपये पाओ है ले लो, मैंने कहा बाबा ये इतने भाव दो, बोले ले लो। जब मैं आई और ड्राइवर ने सब्जी बेच पे रखी, मैंने क्या बात है बाबा कुछ बोला नहीं, बोले साहब ने उससे कह रखा है कि भाई साहब आए तो किसी से मत किया करो, जो भाव वो कहें वो दे दिया करो, और दूसरे दिन तुम मुझसे पैसे ले लिया। कई बातें ऐसी हैं, मेरे यहाँ एक व्यूअर था, उसको इन्होंने प्रेसिडेंट अवार्ड दिलाया, उसका नाम हफीज था, मुसलमान था, उससे मैंने एक जनेरी से साड़ी मंगाई, ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, तो उसे ना की दे दी, मैंने उसे पैसे दे दिए। अब उसने मुझे बोला कि साहब वो 10% रिडक्शन में नहीं मिल रही है, मैंने कहा तुम साड़ी ले जाओ मेरे पैसे दे दें। 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, पैसे ही ना दे। मैंने साहब से कहा मेरे साहब इसके पैसे काटो आप, मेरे 4,000 रुपये की साड़ी है, कम उस समय 4,000 भी हो तुमसे। तो उन्होंने सिर्फ कभी गुस्से में नहीं बोले, शांत भाव से बोले, टेबल पे पास मेरे को बैठाया, मैंने कहा प्रभा मेरा नाम प्रभा है, प्रभा तुमने मुझसे पूछ के ली थी इससे साड़ी, मगर नहीं मैं उसके पैसे उनका। वो व्यूअर है मेरे यहाँ का, तुमने उससे डायरेक्ट लिए तुम उससे पैसे नहीं दिए उसने, फिर कॉन्फिडेंशियल लिखी और वो सामने रिपोर्ट, मैंने कहा इस हफीज की रिपोर्ट निकाल दी, पैसे नहीं दिए, 4,000 काफ़ी मायने होते उस समय। तो मेरे को बैठाया, बड़े स्नेह से बैठाया, हमेशा मैं गुस्सा होती थी ज़्यादातर, वो बहुत शांत सब मुझसे बोले प्रभा उसकी कितनी वाइफ है, मैंने कहा दो, कितने बच्चे हैं, 6। तुम एक बात सुनो, आज मैं उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट निकालूंगा तो तुम्हारे से बेईमानी उसने की है हफीज ने, तो बच्चों को तो बीवी बच्चों क्यों उसके लिए गए, और तुम्हारा खर्च चलता है, मैंने कहा हाँ। तो जब रिपोर्ट भेज दी, मैंने कहा रिपोर्ट निकाली के दी, बोले देखो ये कारण था, मैंने उसकी और तारीफ करके भेजी, उसे मैंने प्रेसिडेंट कैंड अवार्ड दिलाया, जिसमें के व्यक्ति थे, तनख्वाह पूरी मेरे हाथ में देते थे, कभी ज़्यादा मिलती थी, किसी को ज़रूरत होती थी ऑफिस में बांट देते थे। एक दिन कैशियर आया मेरे पास, बोले साहब ने कितने पैसे दिए आपको, मैं कहा जितनी तनख्वाह है उतने दिए, कहने लगा आपके साहब को 3,000-4,000 रुपये ज़्यादा नहीं ले, मैं कहा क्यों, बोले उनके टूर के पैसे थे, कुछ बाहर उन्होंने काम कराया था खुद ने, उसके पैसे थे। तो मेरे को आश्चर्य हुआ, ये आए शाम को, मैंने कहा भरोसा साहब आपको कितने रुपये मिले, मैं पूरी तो खड़े नहीं थी, मैं ये गलत बोल रहा हूँ, तो तुम्हें कैसे, अच्छा होगा स्वामी आया होगा उसने तुमसे कहा होगा, मैंने कहा तो मेरे से यही बोले वो कि प्रभा तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारी मेरी तनख्वाह से खर्चा नहीं करता है, हाँ नहीं करता, कोई तकलीफ है नहीं है, तुमको दान पुण्य करती हो, मैंने कहा नहीं, तो अगर मैंने किसी को दे भी दिया तो तुम्हारा तो पूरा हो जाता, इतने सज्जन पुरुष थे, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, इतनी बड़ी हस्ती आपके हैं, तो मतलब आप इनसे जुड़े हो, आप इनके परिवार के हो, मैं तो बेटा एक ही चीज चाहती हूँ कि जो उनकी जिंदगी में उन्हें नहीं मिला नाम, वो मैं उनका जीते जी अपने जीते जी नाम चाहते हैं। अब तक सरकार के कोई लोग आए कि नहीं आपके पास में, किसी तरह से कोई सम्मान नहीं, कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं आया, बस जो भी कुछ एफर्ट्स हुए वो किया है उनके लिए उन्होंने, ये चूंकि मेरे पास रहता है छोटा वाला, अब मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका नाम लेके कहीं कुछ कहूँ, आप लोग आए आपका स्वागत है,
और आपके कुछ मेरी तकदीर इतनी अच्छी है कि सबों ने आगे होके मुझे कहा कि हम भार्गव साहब के बारे में जानना चाहते हैं। मैं कहा मेरी एक ही वो है कि जिस आदमी ने इतना किया, जो सरकार चल रही है जिसके नाम से जिसे कह, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उनका नाम हो और कम से कम मेरे जीते जी हो जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ट्राई भी किया था इनके लिए। अब अपने जो राकेश श्रीवास्तव जी थे, कलेक्टर भी रहे अपने यहाँ, फिर वो भोपाल भी रहे, उनकी वाइफ मेरी बेटी जैसी है, उसने भी ट्राई किया कि कुछ नाम हो अंकल का, लेकिन अभी तक प्रयास करने से कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जीते जी कम से कम मुझे ये तसल्ली हो जाए कि मेरे हस्बैंड का कुछ नाम हुआ है। और जो आप रात दिन काम में रहे हो जिस चीज़ को, उसी का नाम नहीं कर रहे, आप बताइए ये जो एल्बम बना हुआ है ये देखिए आप, ये कहाँ नहीं है? इंडिया में हर जगह है, बिना इसके काम नहीं चल रहा है गवर्नमेंट का। बस आप लोगों से यही वो है कि जो इतना सज्जन आदमी था, इतना सज्जन आदमी था, आप देखिए जिस दिन रिटायर हुए मेरे बेटे से कहा कि गाड़ी लेके आऊं ऑफिस, मैं ऑफिस की गाड़ी में नहीं आऊंगा, उस आदमी ने, उस आदमी का कहीं नाम नहीं है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि उनका नाम। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।